अब आपके शहर सिवान में आ गया डिज्नीलैंड मेला, पहले से और बेहतर झूले, वो बहुत कुछ। जल्दी करें, आज ही अपने पूरे परिवार के साथ मेले का आनंद उठाएं। पता: फतेहपुर बाईपास रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। आपको बता दें कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से तार जुड़ा सिवान के इस युवक का जेल में बंद युवक को एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर लेकर चली गई। बड़हरिया थाने के बभनौली के इरफान उर्फ चुन्नू पर यह आरोप लगा है। सिवान जिले के जेल में बंद बड़हरिया थाना इलाके के बभनौली गाँव के शरीफ मियाँ का 22 वर्षीय पुत्र इरफान उर्फ चुन्नू को जम्मू कश्मीर से आई एनआईए की टीम अपने साथ लेकर चली गई। इरफान उर्फ चुन्नू आर्म्स एक्ट सहित कुछ अन्य मामलों में कई महीनों से सिवान जेल में बंद था। इरफान पर यह आरोप है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के संपर्क में रहा और इसने 9mm की कज पिस्टल जैश ए मोहम्मद के सदस्यों को बेचने का काम किया, जिस पर एनआईए की टीम बुधवार को अपने साथ जम्मू कश्मीर लेकर उसे चली गई। एनआईए की टीम डीएसपी आर के पांडे के साथ 4 सदस्यीय टीम सिवान पहुंची थी। इस संबंध में सिवान के जेल अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर से एनआईए की डीएसपी आर के पांडे के साथ कुल 4 लोगों की एनआई टीम जेल में आई थी और बंदी इरफान और चुन्नू को अपने साथ लेकर जाई। इरफान 2020 से सिवान मंडलकारा में बंद था। जेल अधीक्षक ने यह भी बताया कि एनआईए की टीम बता रही थी कि इरफान को जम्मू कश्मीर की अदालत में उपस्थित कराना था। इसके पहले भी एनआईए की टीम सिवान जेल पहुंचकर पूछताछ कर चली गई थी। सारण के भी 4 युवकों के आतंकी संगठन जुड़ने के लगे थे आरोप, जिसके बाद इरफान का नाम आया था सामने। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इरफान पर यह आरोप है कि जम्मू कश्मीर में हुए हथियार सप्लाई के धंधे में संलिप्त है। हथियार जैश ए मोहम्मद संगठन के एक सदस्य को सप्लाई की गई थी। दरअसल जांच के बाद एनआईए के हाथ कई चौंकाने वाले तथ्य लगे थे। बिहार के सिवान के सारण जिले से हथियार सप्लाई के साक्ष्य मिले। बताया जा रहा है कि युवक ने कुल 7 पिस्टल जम्मू कश्मीर के जैश ए मोहम्मद को बेचा था। जैश ए मोहम्मद ने इन पिस्टलों की भारी भरकम कीमत लगाई थी। जानकारी के अनुसार 7 पिस्टलों को युवक ने 7 लाख में बेचा था। पिछले दिनों हथियार सप्लाई के मामले में सारण जिले भी 4 युवकों की गिरफ्तारी की गई थी। एनआईए ने जानकारी दी है कि सारण से गिरफ्तार युवकों में से 2 सगे भाई हैं। मिली जानकारी के अनुसार जांच में नाम आने के बाद इरफान उर्फ चुन्नू को सिवान जेल से पूछताछ इसके पहले भी हो चुकी है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण उसे जम्मू कश्मीर एनआईए की टीम लेकर चली गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सिवान जेल में बंद एक अपराधी को आर्म्स एक्ट के मामले में बंद था अपराधी, उसे एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर लेकर चली गई है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं खबर को लाइक करते, सब्सक्राइब करते, धन्यवाद।